तो फाइनली दोस्तों बीजीएमआई को लेकर एक गुड न्यूज बाहर आ गई है। बीजीएमआई अब इंडिया में और जल्दी अनबैन होने वाला है। इनफैक्ट राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मिनिस्टर है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि अभी फिलहाल 3 मंथ के लिए इसे टेम्पोरली अनबैन किया जा रहा है। तो काफी कुछ न्यूज इसके रिगार्डिंग बाहर आई है, तो आज के न्यूज में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको याद हुआ कि 9-10 मंथ पहले बीजीएमआई को क्यों बैन किया गया था, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी रीजन था, दूसरा डेटा प्राइवेसी, एंड बीजीएमआई की वजह से जो बच्चे हैं इनफैक्ट वो काफी ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे, तो जिसकी वजह से सुसाइड केस भी देखने को मिल रहे थे। एंड इनफैक्ट क्राफ्टन जो कि बीजीएमआई का पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज को थैंक्स भी बोला है फॉर अलाउइंग रीलॉन्च ऑफ बीजीएमआई इन इंडिया। एंड फिलहाल इसे 3 मंथ के लिए ही अनबैन किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट इसमें काफी चीजों को मॉनिटर करने वाली है। जैसे पहली तो ये कि कितने लोग इसे इंडिया में खेल रहे हैं, इसकी वजह से सुसाइड वगैरह तो नहीं हो रहे, क्योंकि इससे पहले भी सुसाइड के केस आ चुके हैं। एंड दूसरा सिक्योरिटी इश्यू को चेक करने वाली है, एंड तीसरा डेटा प्राइवेसी, हम और आपका डेटा कहीं इंडिया के बाहर तो नहीं जा रहा है, चाइनीज सर्वर पर तो नहीं अपलोड हो रहा है, तो इसकी भी वो प्रॉपर मॉनिटर करने वाली है। तो अभी 3 मंथ जो है वो एकदम टेस्टिंग पीरियड है, तो ये सब चीजों को गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने वाली है। उसके बाद से 3 महीने के बाद इसे परमानेंटली अनबैन करने वाली है, अगर फीडबैक अच्छा मिला तो। एंड फिलहाल आपको यह प्ले स्टोर पर अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगले 8-10 दिनों में यह अवेलेबल हो जाएगा, तब आप इसे डाउनलोड कर खेल भी पाओगे। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि BGMI is definitely coming back in India, and इसके रिगार्डिंग पोस्टर वगैरह भी अब बाहर आना शुरू हो गया है। तो इस बार का जो BGMI है उसके रिगार्डिंग मैं कुछ और अपडेट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे BGMI इस बार का थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसा बोल रही है वैसा ही क्राफ्टन को गेम में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो जो गेम में ब्लड का कलर है, चाहे वो रेड या ग्रीन हो, उन दोनों को अब गेम से हटा दिया जाएगा। साथ में आप लोग जानते हो कि BGMI गेम को लेकर काफी लोग इसका एडिक्टेड हो जाते हैं, तो क्राफ्टन गेम के अंदर ही प्रॉपर टाइम शेड्यूल भी करने वाला है, यानी 1-2 सेशन जैसे ही आप खेलते हो उसके बाद से 1 घंटे का ब्रेक कंपलसरी है। एंड इनफैक्ट गेम के अंदर एक मैसेज भी शो हो जाएगा, उसके बाद तो आप गेम को खेल ही नहीं पाओगे। तो देखा जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस गेम में होने वाले हैं, एंड काफी टाइम से लोग इसका वेट भी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी यह प्ले स्टोर पर अवेलेबल भी होने वाला है। एंड आई होप कि अभी फिलहाल इसे 3 मंथ के लिए ही अनबैन किया गया है, लेकिन आगे इसे परमानेंटली इंडिया में अनबैन कर दिया जाए। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने लोग BGMI अनबैन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, एंड आगे इसके रिगार्डिंग और भी फर्दर अपडेट जैसे ही बार आएगी सब कुछ एक न्यूज में रेगुलरली अपडेट देता रहूंगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक नया टेक न्यूज में आपका स्वागत है। एंड आज की भी जो टेक न्यूज है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली न्यूज पे बात कर ले तो वो मेट्रोला की तरफ से निकल के आ रही है। मेट्रोला S40 इंडिया में 23 मई को तो लॉन्च होने वाला है, एंड अब इसकी प्राइस भी सामने आ गई है। एंड इंटरेस्टिंग इसकी प्राइस रखी गई है, इसका जो बेस वेरियंट है वो अराउंड 30,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन बैंक ऑफर मिलाकर आपको ये अराउंड 28,000 के प्राइस सेगमेंट में मिल जाएगा। तो एक अच्छा डील आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि एक तो इसे डायमेंसिटी 8020 चिपसेट पर लॉन्च किया जाएगा, एंड इसका अगर अंततु स्कोर कंपेयर किया जाए स्नैपड्रैगन 870 से तो थोड़ा सा ही कम है, यानी स्लाइटली डिफरेंस है दोनों ही प्रोसेसर के अंदर। साथ में इसमें IP68 की रेटिंग भी आ रही है, एंड इसे एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया जाएगा। साथ में 2 साल का मेजर OS अपडेट एंड 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलने वाला है, एंड इसमें भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसके भी जो स्पेसिफिकेशन है वो कमाल के होने वाले हैं। एंड आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अंडर 30,000 के प्राइस सेगमेंट में मोटरोला S40 को आप बाय करना चाहोगे कि नहीं। अगली न्यूज पे बात कर ले तो वो IQ की तरफ से निकल के आ रही है। IQ न्यू 8 सीरीज 23 मई को चाइना में लॉन्च तो होने ही वाला है, एंड इसके साथ अब IQ पैड भी लॉन्च होते हुए दिखेगा, एंड सेम प्रोसेसर इसमें भी होने वाले, यानी डायमेंसिटी 9000 प्लस का चिपसेट आने वाला है। एंड अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लूं तो इसमें बड़ी डिस्प्ले आने वाली, लगभग 12.1 इंच की 2.8K 144Hz IPS डिस्प्ले आने वाली है, एंड साथ में 600 की पीक ब्राइटनेस इसके अंदर मिलने वाली है, एंड HDR10 का भी सपोर्ट इसके अंदर आने वाला है। तो इसके भी स्पेसिफिकेशन कमाल के होने वाले हैं, एंड देखा जाए तो डायमेंसिटी 9000 प्लस चिपसेट का जो अंततु बेंचमार्क स्कोर है वो IQ न्यू 8 प्रो में अराउंड 30,60,000 से ऊपर देखने को मिला है। तो टैबलेट का भी जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो ये भी परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा होने वाला है। तो देखते हैं कि किस प्राइस में यह लॉन्च होता है। इसके अलावा दोस्तों OnePlus Nord 3 के ऊपर भी अपडेट दिया था, तो इसके भी स्पेसिफिकेशन के कुछ और अपडेट्स बाहर आ गए। जैसे कैमरा की अगर मैं बात कर लूं तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर आने वाला है, जिसमें सोनी का
IMX890 सेंसर देखने को मिलेगा। साथ में 5000mAh की बैटरी आने वाली है एंड Dimensity 9000 का चिपसेट आने वाला है। वहीं पर इसकी प्राइस की भी लीक सामने आ गई है। इसका जो बेस वेरिएंट है अराउंड 32,000 के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होते हुए दिखेगा। एंड जहां तक बात रही लॉन्च की, तो जून के इन तक यह इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो जब आएगा फिर बात करेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा टेक न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। एंड आज की जितनी भी टेक न्यूज थी इसमें से कौन सा न्यूज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ में अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलना। एंड जो लोग भी नए हैं जो हमारे चैनल के रेगुलर विजिट करें तो किस बात की देरी भाई, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड रेगुलर बोल रहा हूँ कि इस चैनल का जो रीच है वो बहुत ही कम है, तो वीडियो देखने के साथ साथ आपको इस चैनल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नीचे अपना फीडबैक जरूर दो कि टेक न्यूज आपको पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है। साथ में आप लोग मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। एंड जिन लोगों ने पिछले दिन का टेक न्यूज नहीं देखा मैं ऊपर कार्ड सेक्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसे जरूर जाके वॉच कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक न्यूज में, तब तक ले स्टे सेफ एंड बाय बाय।